सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम आ रहे हैं बाहर फटाफट से गेट खोलो ये भाग के सबसे पहले जो है गाड़ी स्टार्ट करनी है वो भाग के, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आज तो टैंक ही फुल करवा दी है। ओह माय गॉड यार कमाल है यार। भागो भाई गेट बंद करो। आज पता नहीं क्या हुआ यार, मेरे मोबाइल को बार बार वीडियो पॉज हो जाता है। पता नहीं मेरा हाथ लग रहा है क्या हो रहा है। दो चार दफा मैंने सीन रिकॉर्ड किया जल्दी, मुझे पहले ही बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो हो ही रहा है। जैसे ही मैं अपना फोन की तरफ देखता हूँ तो जना वीडियो स्टॉप हुई होती है। अब दोबारा देखते हैं, पता नहीं दोबारा कहीं स्टॉप ना हो गई हो तो आज ना फिर से सूरज जो है वो अपनी परवान पे चढ़ा हुआ है, फुल ऑन ब्राइट भाई, ऐसे ही चमकते रहना पूरी जिंदगी और इसी तरह हमें खुश करते रहना। तो once more खुश करते रहना तो अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब दो तीन काम करने। जो दो तीन काम है ना वो है पेट पूजा के, यानी कि अफ्तारी का सामान लेने कुछ जा रहा हूँ मैं। तो आज घर वालों ने कहा भाई हमने अफ्तारी जो है वो नहीं बनानी, बाहर से ले गया हो तो वो आपको पता है कोई ज़्यादा हैवी तो हम लोग खाते नहीं है। हम लोग इस टाइम जा रहे हैं चिकन रोल लेने और स्प्रिंग रोल जिसे बोलते हैं वो लेने जा रहे हैं, और साथ थोड़े से लेंगे देसी पकौड़े। उसके अलावा समोसे वगैरह ये वो देखते हैं जो कुछ अफ्तारी के लेवल की चीज़ें जो है ना वो चल के ले के आते हैं। तो बस ऐसे ही है मेरा आज का दिन फटाफट वाला। अरे भाई साहब मारे गए भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सारे लोग जो हैं वो निकले हुए हैं पागलों की तरह। और कहने का मकसद ये है कि रश इतना ज़्यादा है और उसके अंदर हम लोग अपनी बलेला लेके निकले हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये रक्षे वाला जो है वो बस मेरे अंदर मारने लगा है या मैं उसमें मारने लगा हूँ तो ऐसे कुछ ट्रैफिक आजकल की है जनाब रमज़ान की, और हम लोग इसी ट्रैफिक के अंदर एक हाथ से गाड़ी जनाब चलाते हुए, जैसे कि गियर बदलने होते हैं तो हम फिर गियर नहीं बदल सकते। तो अब ये इन भाई साहब को देखें मिडल ऑफ द रोड, और पीछे जो है वो ये ट्रैफिक है, बस वाला रोक के भाग गया है, ये अपनी देख सेट कर रहा है, और ये भाई बाजी जो है वो सड़क पार करनी है बगैर इशारा दिया, और ये फल वाला है और ये वगैरह वगैरह। तो ये सिचुएशन है आज हमारे रोड की, और आप मेरे मूड से देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख के मूड जो है वो बहुत ही अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मूड बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए रोज़ों के अंदर, आपको अपने आप को ज़रा पीसफुल रखना चाहिए। उसके बाद रोज़े के बाद जो मर्ज़ी करें, नहीं जो मर्ज़ी ना। अब ये देखें यार कमाल है यार, देखो अब ये मैं जैसे ही मतलब मैं पास पहुँचो इस बंदे ने जो है बाइक मोड़ लिया। अब ये देखें रोंग से आ रहे हैं यार, ये देखो ये बंदे भी रोंग से आ रहे हैं सारे, रोंग यार को शर्म करो यार, रॉन्ग हर जगह रॉन्ग। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तुम साइड से आते हो, चलो यार बाद में मिलते हैं आपसे। भाई सूरज आंखों में पड़ रहा है, सन शेड आगे कर लिया हमने, और धूप इतनी ज्यादा तेज है ना आंखों को चुप रही है हमारी। जो सूरज चाचू है वो अच्छे खासे नाराज हुए पड़े हैं। अभी जो है वो चंदा मामा ने निकलना है, फिर जो है हम ज़रा सुकून माहौल में आ जाएंगे। दोनों ही अल्लाह की नेमत हैं, दोनों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम रश को चीरते हुए जनाब जा रहे हैं इस साइड पे। इंडिकेटर हमने दे दिया, यार बस वाले गाड़ी ना चला दियो। अन्या मैं आपका जीना हराम कर दूं। अन्ना है यार तुम, ये देखो बाइक वाला अब ये मुझे ही देख रहा होगा कि गलत चला रहा है, जबकि मैंने इंडिकेटर दे दिया था। अभी हम एक मोहल्ले में घुसे हुए हैं जो कि है रिवाड़ी मोहल्ला। ये जनाब पाकिस्तान बनने से पहले का मोहल्ला है, इधर इस टाइप की गलियां और मोहल्ले हैं, और सॉरी गलियां गुलियां हैं जिधर हम अवाम के अंदर से जनाब रोड को चीरते हुए। ओए बेड़ा 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 ना ऐसे नहीं करते होते। तो अभी हम लोग जनाब जा रहे हैं क्या लेने, समोसे एंड पकौड़ा एंड रोल,
देसी चीजें जो है ना अफतारी में लेने जा रहे हैं। ये पठान बच्ची आपने जरूर देखनी है। बेटा इधर देखो, बेटा बेटा इधर देखो, बेटा ने देखा ही नहीं इधर, शायद थोड़ा सा देखा हो। तो ये यहाँ पठान बच्चे कुछ रहते हैं, पठान फैमिलीज रहती हैं, और बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं इनके, और माशाल्लाह अल्लाह मियां ने बड़ी बड़ा कह लें हुसन दिया इन लोगों को, बहुत खूबसूरती दी है। क्या बाल हैं इनके, क्या स्किन है इनकी। हमारी तो भाई बस सोसो ही है, कोई खास तो नहीं है। बच्चे जो है वो बोतलें उठा कर जा रहे हैं, आज इनका कोई लगता है कोई मैच है, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं हमारे सामने। दोबारा अगेन सूरज बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप बाबा जी? बाबा जी सियालकोट, बेटे कहाँ जा रहे हो चीज पकड़ के? ये अभी ये देखें, ये मजदूर दो लोग हैं और इन्होंने बीच में ही रोका हुआ है, तो कोई नहीं, हम इनको तंग नहीं करते, हम साइड से जो है वो निकल जाते हैं, ज़रूर इनको तंग करना है। ये कुछ जनाब इस तरह की जगह पे हम लोग आ चुके हैं इस टाइम। यहाँ से हमें मिलेंगे बड़े ही मज़ेदार किस्म के चिकन रोल, और उसके अलावा जो है वो क्या लेना है वो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। असल में मैं बार बार इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर मेरे मुंह में पानी आता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब जनाब जहाँ मैंने गाड़ी रोकनी है वहाँ ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो हम लोग वहाँ गाड़ी रोक लेते हैं, सुकून माहौल। और हाँ जी भाई, काम साडा हो गया जी VIP। सबसे पहले हैंड ब्रेक, गाड़ी न्यूट्रल, एसी ऑफ, डैक पता नहीं किसने ऑन किया था, और चाबी बंद। चलो भाई चले, कुछ लेना तो नहीं है भाई, चलो भाई चले चल के ले के आते हैं। रोड शोल गाड़ी हमने लॉक कर दी है, अभी आपको चल के हम माहौल दिखाते हैं समोसे पकौड़ों का, कि यहाँ पे जो है वो रिवाड़ी के अंदर रमज़ान के अंदर किस टाइप का जो है वो सीन जो है वो बनता है। और रश आप हमारे सामने चेक कर रहे होंगे, आपको हर रेडी पे जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी, और हम लोग जो है ट्रैफिक में ब्लॉक, और हमें इस दुकान पे जाना है चीज़ें लेने, वो लेते हैं चल के, बुक करवाते हैं अपनी चीज़ें इस रश में से इधर से गुजर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर यू फरहान भाई, कैसे हैं आप? तो जनाब फ्रेश फ्रेश सारी चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें रोल पकौड़े समोसे शामिल हैं। फरहान भाई रोल दे दें, आठ एक रोल दे दें और समोसे दे दें दो चार, अपने से बना दो ना एक पैकेट अंदाजे से, तो उन्हें हमने खुद ही कह दिया वो जनाब हमारे अंदाजे से जो है वो पैकेट बना देंगे। तो जनाब हमारे फेवरेट हैं ये चिप्स वाले पकौड़े, उसके अलावा ये भी होते हैं पर हमें ये वाले ज़्यादा पसंद हैं। ये हमारे प्यारे से फरहान भाई हैं जो हमें पैक करके दे रहे हैं। हाँ आपको भी ले लिया आज व्लॉग में हमने, आहा बहुत चंगा ना, आज इन्हें भी व्लॉग में ले ही लिया हमने। एक पाव समोसे और ये दो तीन रोल, एक पाव समोसे, ओ सॉरी रोजा रोजा लग रहा है, रोजा रोजा लग गया यार, रोजा ना लगाना। क्या नहीं। क्या बोला तूने पहले, क्या बोला? चल रोजा ना लगाना, चल चलो। तो जनाब देखें आज जो है किससे मुलाकात होगी हमारी, चौधरी साहब से। अभी मैंने आपको ब्लॉग में जिक्र किया था कि मेरा मुझे लग रहा है कि मेरी आज चौधरी साहब से मुलाकात होगी। यार बाद में ले लेना, पहले इंटरव्यू दे दो यार, किधर घूम के आ रहा है यार? कहीं घूमनी था, आप ही घूमते। अच्छा मैं ही घूमो तो यार, आप बाद में सेट करना, पहले ये बताइए मैंने कैमरा खुला है। आपको ब्लॉग वाली इंडस्ट्री हमारी मिस कर रही थी इतने अच्छे से, कि आप किधर घूम रहे? तो इधर ही था यार। अच्छा भाई भाई कहते हैं हम इधर ही थे, तो देख ले, दिल से दिल को राह होती है। मैंने चाहा अली मिल जाए तो अली मिल गया। ओह चेक करो यार, बहुत चेक करो यार, दांत ही मेरा जब भी पाया जब यार चलो फिर इससे थोड़ी सी बात करके आपसे मिलते हैं। तो भाई लोग रश चेक करो, हम तो शॉर्टकट से निकल जाएंगे,
रश जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। हमारी गाड़ी जो है वो खड़ी है, हम निकल आए हैं और चीज़ें हमने जो है वो ले ली हैं और चाबी हमें मिल नहीं रही। चाबी जो है वो ये है, ये हमने खोल लिया फटाफट। फ़ोन टकरा गया। तो जनाब बहुत ज़्यादा लेट हो गया और ट्रैफिक जो है वो आपके सामने है और टाइम भी आपके सामने है। थोड़ी सी देर रह गई है यार, जगह दे दो यार, सारे लोग रॉन्ग आने पे लगे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। गाड़ी ने वाह करके झटका मारा, पता नहीं क्यों कोई मसला हो गया, लगता गंदा पेट्रोल डल गया गाड़ी में। नो गॉड प्लीज नो। तो सूरज जो है वो डूब गया है, हम जो है स्पीडो स्पीड घर जा रहे हैं क्योंकि जाके रोज़ा खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है और क्या नहीं। आज तो हमने घड़ी भी नहीं पहनी, उसके बावजूद जो है हमें टाइम पता चल रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी में बैठे हैं और हमारा जनाब ये बटन तबाही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी मतलब ज़बरदस्त कूलिंग आ रही है और मज़े हम लोग कर रहे हैं। और ये बाबा जी हैं, इन्होंने मुड़ना था तो इन्होंने पहले हाथ से मुझे इशारा दिया है, उसके बाद इन्होंने कहा कि चले जाएं। ये होती है तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी मतलब अच्छा कुछ भी। और रोज़ा खुलने वाला है तो अब सीधा आपसे रोज़े के बाद ही मुलाकात होगी। यार घर तो हम पहुंच गए, अब ये बिल्ला भाई सोए पड़े हैं, अब हमारा दिल नहीं कर रहा इनको उठाने को। उठ गए हैं सर, अब सर 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 थोड़ी सी जगह सर 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 ने थोड़ी सी जगह जो है वो दे दी है। तो फटाफट गेट खोल दे, एक मिनट कैमरा गलत पकड़ो। सर थोड़ी सी जगह दे दें सर, प्लीज़ सर सर काइंडली सर सर वापस आके सर सो जाइएगा। हमने उसको तंग नहीं किया, हमने कहा यार वापस आके आप आई सो जाना, आप टेंशन क्यों लेते हो, सारे काम एक हाथ से ही करने पड़ते हैं हमें। तो गाइस घर आके अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा शोज़ा खोल लिया है, ऊपर जो है वो अंधेरा हो चुका है और हम लोग बाहर जा रहे हैं जल्दी काम शाम करने अपने। और पीछे जो है वो आप सुन रहे होंगे दबाव से मस्जिदों में शुरू हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। आगे फिर जो है नमाज पढ़ने चलते हैं। तो जनाब हमने जो है हेड स्कार्फ पहन लिया है और बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ये चीज़ ये फ़ायदा होता है जनाब सेल्फ स्टार्ट का, क्योंकि नहीं मारनी पड़ती, बस चलते हैं अपने एक दो काम है मुका के फिर ऐसे शुभ करके वापस आते हैं। सो गाइज ये ना लोग 9 नंबर के स्टोर कह रहा हूँ, हर दफ़ा यार स्टोर निकल जाता है, स्टॉल्स रोड के ऊपर लगा कर बैठे हैं और इस तरह की ये बच्चा जो है ये चीज़ें बेच रहा है अभी। ये गाइज देखे रोड के ऊपर बैठ के जो है ना ये बच्चा अपनी रोज़ी रोटी कर रहा है इन चीज़ों से बैठ के। मैं अभी आपको एक इसकी फ्लाइंग शॉट भी दिखाता हूँ। धूप होती है बिल्कुल ऐसी, शाम को बैठ दो तीन घंटे चलो आप बना ना पंखा जनाब। ये देखें ये इस तरह करके जो है पंखा बन जाता है और आगे डिग जाता है। तो चिड़िया ऊपर जगह चिड़िया बन जाती है, चाम चिड़नी है उसको पकड़ती है आगे। सो जनाब घर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं और वापस आके कुछ डायरेक्ट हम नहीं आ चुके, पहले हम लोग गए हैं नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद अब
थोड़ी देर खाना शाना खा के उसके बाद अब हम लोग आए हैं छत पे वॉक करने। तो मैंने कहा साथ आप लोगों को भी ले आते हैं, तो थोड़ी देर हम करते हैं वॉक। सो जनाब, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ, और कमेंट वगैरह में अपनी बातें शातें जो हैं वो लिख दिया करो। मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।